हेलो स्टूडेंट्स, होप यू एंड योर फैमिली मेंबर्स आर सेफ एट होम। सो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर हीट। सो इन दैट चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर, और क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमने ये जाना कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बींग क्या कितना है, और फिर हमने लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में भी पढ़ा, फिर उनके प्रिकॉशंस मीन्स हाउ टू हैंडल इट, उनको कैसे यूज करना है उनके बारे में भी बहुत बहुत कुछ जानने को मिला। ओके, मर्कुरी के बारे में पढ़ा, देन हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो किसमें यूज हो रहा है, वो क्लिनिक फॉर मेजरिंग अदर लिक्विड्स। ओके, अदर लिक्विड यूज करने के लिए हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे, और सिर्फ हमारा बॉडी टेम्परेचर यूज करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमने एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी में हमने नॉर्मल टैप वाटर को नोट डाउन किया था, फिर उसके बाद हमने हॉट वाटर का टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नोट किया था। ठीक है, सो जस्ट यू कीप इन माइंड दैट जो हॉट बॉइलिंग वाटर, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, पानी जब उबलता है, ठीक है, हमने थर्मोमीटर गर्म पानी में डाला और पानी को हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो मर्करी लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएगा, एंड आपको ये दिखेगा कि एक हद तक मर्करी लेवल जाके वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप चाहे कितने भी पानी को उबाल लो, ठीक है, एक लेवल पर वो मर्करी लेवल स्टॉप हो जाएगा, वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब पानी उबलना शुरू होता है तब क्या होगा, मर्करी जाकर एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा। आप चाहे कितने घंटे पानी को उबालो फिर भी वो लेवल ऊपर नहीं जाएगा। ओके, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हम क्या करेंगे, आइस लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर में हमने आइस लिया और थर्मोमीटर को उसमें डाला और आइस को पिघलने दिया। ठीक है, जैसे आइस पिघल रहा है क्या होगा, पानी का जो थर्मोमीटर है, मर्करी का जो लेवल है वो नीचे घट जाएगा। ओके, मैंने बोला था ये जब लैबोरेटरी थर्मोमीटर हम जो यूज करते हैं उसका क्या है, रीडिंग -10 से शुरुआत है। ओके, और कहां तक पहुंचता है, 110 तक। ठीक है, तो जब आइस पिघलने लगता है हम देखेंगे जो मर्करी लेवल है वो धीरे धीरे जीरो से नीचे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जीरो पर अटक जाएगा। ओके, द मर्करी लेवल विल स्टॉप एट जीरो, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइस जब मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर 0.0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मैंने आइस इस्तेमाल किया। ओके, एंड उधर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और बहुत से लिक्विड्स हैं जो कि जीरो से भी नीचे जाते हैं या तो 100 से भी ऊपर जाते हैं, इसलिए हमारा रेंज क्या था, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम अब जाएंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। सो नाउ सपोज यू हैव ऑब्जर्व दैट जब भी हम सपोज फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करते हैं, सपोज हमने फ्राइंग पैन लिया और उसमें क्या किया, हमने पानी को गर्म कर दिया। ठीक है, अगर हम लेंगे पानी लेंगे और गर्म करेंगे, ओके, सो व्हाट विल यू फाइंड, धीरे धीरे क्या होगा, ये पैन गर्म हो जाएगा। यस, वाटर बिकम्स हॉट, पानी गर्म हो जाता है। ओके, लेकिन जब हम इसको फ्लेम से निकालकर बाहर रख देंगे, कुछ टाइम तक हमने इनको बाहर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि पानी जो गर्म हो गया था वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से दोबारा हम उस पानी को गर्म करेंगे फिर पानी गर्म हो जाता है, तो हाउ डज इट हैपन्स, तो ये कैसे होता है। ठीक है, तो हाउ डज इट हैपन्स, इट हैपन्स व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन, पैन पे हीट ट्रांसफर हो जाता है, और ये जो हीट है हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, अब ये हीट जो पैन में है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, हमारे एटमोस्फियर में। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में ये जो गर्म है हमारे सराउंडिंग में वो ट्रांसफर हो जाता है।
So mostly you will find the objects always the heat flows from hotter end to the colder end. Okay, hot end से cold end तक end को transfer होता है. Suppose हमने अगर कभी cooking मम्मी को देखा होगा cooking करने के time पे अगर गलती से वो चूल्हे के ऊपर छोड़ देती है तो ये handle क्या है गर्म हो जाता है. Handle गर्म हो जाता है. Okay, means हमने अगर इसको गर्म कंटेनर में रखा तो एक एंड गर्म हो जाता है और वो गर्म धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ पे जाएगा अदर एंड को जाएगा. ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. सो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन. ओके, आ रहा है बात समझ में. द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन. और ज्यादातर कंडक्शन किसमें होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं. ठीक है, सॉलिड्स आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस ये हमने पढ़ा था क्लास 5 में, हमें ये पता है. ठीक है, सो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन. ओके, और वी कैन से हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. हमेशा हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड. कहाँ से कहाँ तक, हॉटर एंड से older end. This process is called conduction and mostly it takes place in the solid. Okay, it takes place in the solid. So mummy ko kabhi dekha hai pan mein, aise pan mein jisme plastic handles ho, kabhi dekha hai? Yes, humne dekha hai. Why does she use this? Wo kis liye use karti hai? Ye jaane ke liye we will do some activity. Okay, what is that? I have collected some objects and a glass of hot water. ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? चलिए देखते हैं. ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. अब मैं वन बाय वन इनको पानी के अंदर डाल दूंगी. ठीक है, देन लीव इट फॉर 10 मिनट्स. इसको हम 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे. सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 मिनट्स? कुछ ऐसे पार्ट्स भी है जिनको अगर हम छुएंगे वो हमें गर्म फील करता है. अब दोनों में से कौन सा गर्म होगा? स्पून विल बिकम हॉट. ओके, एंड पेंसिल विल नॉट बिकम हॉट. ओके, सो द मेटेरियल विच अलाउ, ये जो मेटेरियल है ये क्या करता है, हीट को अलाउ करता है कि हीट पास कर सके, इनमें से हीट पास कर सके. ठीक है, वन एंड टू अदर एंड तक हीट पास कर सके. सो दिस मेटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ओके, सो एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, आयरन, दीज आर द गुड कंडक्टर्स. ओके, so the material which allow heat to pass are called conductors and the material which do not allow, ये material जो है ये heat को pass करने में allow नहीं करते. okay, so they are called poor conductors or we can say them insulators. so the material which does not allow the heat to pass are called insulator. तो आपको समझ में आ गया होगा what is conductor. the transfer of heat from hotter end to colder end is called conduction. The material which allow the heat to pass through them are called conductors. The material which does not allow the heat to pass are called insulator. Air and water are also a poor conductor of heat, or we can say they are insulator. Okay, air and water are insulator. Baki copper, steel, iron, they are conductors. I hope these 3 topics you are able to understand. If you have any kind of doubts, you can ask me in WhatsApp number. Okay, so next class we will continue the further topic. Okay, so thank you and have a nice day.